नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। इस चैनल पर मैं लगातार आपको वैकेंसीज के बारे में भी बताता हूं। तो यहां बात करेंगे लेखपाल भर्ती के बारे में, क्योंकि लेखपाल के मेंस एग्जाम के लिए आप काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, लेकिन इसकी विज्ञप्ति, इसका विज्ञापन, इसका नोटिफिकेशन है कि आता ही नहीं। लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और लेखपाल भर्ती के लिए जो न्यू सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है, न्यू एग्जाम पैटर्न है वो जारी कर दिया गया है, और इसके अकॉर्डिंग जो बुक्स हैं इंपॉर्टेंट, उसके लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए हैं। आप वहां से भी बुक्स परचेज कर सकते हैं या फिर मार्केट से भी देख सकते हैं। लेखपाल भर्ती की बात कर रहे हैं जो भाई बहन पीईटी में क्लियर कर चुके हैं, उन 17 लाख में से केवल 4 लाख ही यूपी रेवेन्यू लेखपाल में आवेदन कर पाएंगे या यूपी में राजस्व लेखपाल भर्ती के योग्य हो पाएंगे। तो करीब 75% तक वाले इसमें अपीयर हो पाएंगे, ऐसा अभी तक माना जा रहा है। तो यह स्थिति एक बार आप क्लियर रख लेना कि आपकी परसेंटाइल कितनी है। पदों की संख्या आपको पता है यूपी लेखपाल में, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि पदों की संख्या है 7882 और इन्हीं का हम वेट कर रहे हैं। इनका मेंस एग्जाम होना है, ठीक है। प्री आपका जो पीटी था वही था, अब इसका मेंस एग्जाम आपका होना है। तो इसका सिलेबस और पैटर्न तो जारी कर दिया गया था 8 दिसंबर को ही, और किसी भी वक्त एट ए टाइम, यानी कि बहुत ही जल्दी इसका लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है 1-2 दिन में ही, क्योंकि सरकार इसमें संशोधन कर रही है नियमावली में, और जैसे संशोधन होगा बहुत जल्द ये जारी होगा। रीजन क्यों जल्द जारी होने का वो भी आपको बता देता हूं, क्योंकि इस पीटी के बाद जो आपकी एएनएम की भर्ती थी उसका तो प्रोसेस शुरू हो चुका, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, और अब लेखपाल का वेट था तो लेखपाल थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि इलेक्शन भी अभी खिसक सकते हैं। ऐसे में सरकार ये भर्ती जारी करके, इसका नोटिफिकेशन जारी करके चुनाव में पूरा फायदा लेना चाहेगी, और ऐसे में इस विज्ञापन के जारी होने की पूरी पूरी संभावना है, और जल्दी इसलिए है क्योंकि जनवरी में इलेक्शन होने थे जनवरी से, लेकिन अभी वो आगे खिसक सकते हैं। बाद के टाइम से पहले ही आपका एग्जाम कंप्लीट करवाना सरकार को पड़ेगा। तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया, जारी हो चुका है। 4 चीजें जो आपको पढ़नी है, सामान्य हिंदी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, जीके के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, और ग्राम्य विकास के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। कुल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर होंगे, ठीक है। तो मार्किंग अबकी बार इक्वल की गई है, ये इसमें चेंज किया गया है। लास्ट टाइम मार्किंग इक्वल नहीं थी, 0.80 का एक आपका क्वेश्चन था, अब पूरे 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो ये मार्किंग में चेंज किया है, 20 नंबर आपके बढ़ाए गए हैं, तो ये आपको बेनिफिट देंगे। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी, इसलिए सोच समझ के आपको काम करना है, सोच समझ के एग्जाम देना है, अच्छी किताबें पढ़े, मैंने लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, नए सिलेबस और नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बुक्स हैं, आप उन्हें एक बार आपको जरूर देखना चाहिए। तो ये इसका सिलेबस और इसका एग्जाम पैटर्न था। तो अब इसमें और भी डिटेल जैसे भी आएगा मैं आपके सामने नया वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।